पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिन दस्तावेजों से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, वो जो भी पेपर हैं अब कहीं ना कहीं डस्टबिन में दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तरफ से ऐसी लापरवाही मिलने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचता नजर आया है। शिक्षा विभाग में मानिए तो नियोजित शिक्षकों की सांसें अटकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा 700 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट गायब थे और अब उनकी खोजबीन शुरू हो गई है, तो 630 शौचालयों के डस्टबिन में ये 70 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट अभी भी गायब है। देखिए, कहीं ना कहीं 630 जो शिक्षकों के सर्टिफिकेट थे वो मिल गए हैं, लेकिन 70 शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट थे वो अभी भी कहीं ना कहीं गायब है। ऐसी लापरवाही किशनगंज में हुई है और इस लापरवाही के कारण शिक्षा विभाग में हड़कंप मचता नजर आ रहा है। तमाम शिक्षकों की नींद उड़ गई है। दरअसल आगामी 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए काउंसलिंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसको देखते हुए किशनगंज की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर कुमार के नोटिस के बाद जब नियोजित शिक्षकों के कागजातों की खोजबीन शुरू हुई तो 700 नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज गायब मिले। इसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में तैनात कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। शिक्षकों को ये बात पता चलने के साथ शिक्षकों की सांसें अटकने लगी। इसके बाद कागजातों की खोजबीन शुरू हुई। कूड़े और शौचालय में रखे डस्टबिन में 630 नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज मिले, लेकिन 70 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट अभी भी लापता है। ऐसे में शिक्षकों में इसको लेकर एक गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। शिक्षक विरोध प्रदर्शन पे उतर सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं और तमाम अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि अगर समय से दस्तावेज नहीं मिले तो उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विचार विमर्श कैसे होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग लापरवाही बरतता नजर आ रहा है और एक बार फिर से शिक्षक जो है सड़क पर उतर सकते हैं, तमाम प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।